हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड, आज मैं लेकर के आई हूँ एक न्यू रेसिपी, और ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगती है। इस तरह से आप लोग बना करके खाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसमें एक कद्दू मैं ली हूँ, और ये कद्दू से बनता है। और कद्दू को छील करके और छोटा छोटा पतला पतला कट कर लेना है, और इसे उबाल लेना है जब तक ये पक ना जाए। और इसे चेक करना है, जब ये दब जाता है तो पक जाता है, और उसके बाद इसे एक छलनी में छान करके इसका पानी सारा निकाल देना है। और उसके बाद क्या करना है कि दही लेना है, और दही को अच्छी तरह से फेंट लेना है, और इस दही को फ्लफी होने तक फेंटना है। और यहाँ इसमें जाएगा जीरा, इसलिए मैं जीरा भी भून ले रही हूँ। और ये देखिए, दही मैं अच्छी तरह से फेंट ली हूँ, और इसमें मैं अब डाल दूंगी जो कद्दू का जो पानी निकाल करके रखी हूँ उसे मैं डाल दे रही हूँ, और इसे मिक्स कर ले रही हूँ। और इसमें डाल करके अच्छी तरह से मैं मिक्स कर ले रही हूँ, और ये अच्छी तरह से दही में मिला लूँगी। और उसके बाद इसमें जाएगा भुजा हुआ जीरा का मैं पाउडर बनाई हूँ, और मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। और उसके बाद जाएगा ये सरसों भी, मैं भूज करके उसका पाउडर बनाई हूँ। काला सरसों हो या पीला सरसों, दो कोई भी हो तो उसे भूज लें, और उसको भी पाउडर बना करके इसमें डाल दें। और ये पतला पतला हरी मिर्च काट करके इसमें मैं डाल दी हूँ, और स्वाद अनुसार नमक डालना है। और इसे डाल करके अच्छी तरह से मिला लेना है, और ये एक टेस्टी सा बन करके तैयार हो जाता है। और देखिए, थोड़ा सा बाद में मैं तेल भी ऐड कर दी हूँ, सरसों का तेल। तो इसका नाम है रायता, और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप लोग भी बना करके ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही कम टाइम में तैयार हो जाता है। और जब भी आपको खाने का मन हो तो झटपट से बना लीजिए।